जगदीश भाई जी, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रोसेस प्लास्ट इन एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के, दोस्तों इनकी आप सब दुकानों में हम जो भी अपने स्पेक्टिकल्स, जी चाहे जितने मर्जी बढ़िया स्पेक्टिकल्स हों, तो जो जी कवर होते हैं ये हमारे बनाते हैं स्पेक्टा के नाम से। आप सबके पास ये आते हैं, आज हमें ये साक्षात दर्शन देने आए हैं। और इनकी क्वालिटी जो बिल्कुल हिंदुस्तान में बनाते हैं एकदम बढ़िया है, हमेशा हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, हमें एक भाइयों जैसा प्यार देते हैं। और इंटरनेशनली जितने भी कवर्स जो शीट के आते हैं वो सब हिंदुस्तान में हमें प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे जो वाइजर हैं वो भी बनाते हैं, सेफ्टी सनग्लासेस भी बनाते हैं, सेफ्टी जो आजकल हमारे पीपी किट में लगते हैं वो भी, जो आई ग्लासेस हैं वो भी बनाते हैं, फेस शील्ड भी बनाते हैं। तो आज दिल की गहराइयों से हमारे साथ जुड़ने के लिए जी मैं श्री जगदीश भाई जी को अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। सर, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ। इंडिया में सबसे बड़ा और अनपैरेलल्ड कवर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम आपके पास है आज। ये कैपेबिलिटी मेरे ख्याल में किसी और के पास नहीं है आज। ठीक है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे हमें, आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से, डिस्पाइट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो चाइना से माल मंगाने की जो कॉस्ट आती है उसके बावजूद हम नेट इंपोर्टर्स हैं। तो इसके बारे में मैं सबको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली हम प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े आदमी थे, लेकिन सब फ्रेम मैन्युफैक्चरर और राजू भाई और सब ने जो बात बताया कि जो हमारा पुराना जो फ्रेम का बिजनेस था यहाँ से बहुत एक्सपोर्ट होती थी। हमने ये फिर चश्मा वाला ओटीएल वाले रजाक भाई, उन लोगों के संपर्क में मैं जब 91-92 में आया था, तो प्लास्टिक से ही ये इंडस्ट्री से आया था। तो उस टाइम पे हमने देखा कि ऑप्टिकल इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। धीरे धीरे इम्पोर्ट होने लगा, अपना इंडस्ट्री खत्म हुआ। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में जो आपको सबके साथ शेयर करूं, तो ऐसा है कि हमने प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में इतना अच्छा योगदान ऑप्टिकल इंडस्ट्रीज को दिया और इतना मेहनत किया कि आज हम जहां भी पाँव रखते हैं तो चाइना को वहां से भागना पड़ता है, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और डिजाइनिंग, वो सब चीजें, पर्टिकुलर में चीज की बात कर रहा हूँ, स्पेक्टेकल इंजेक्शन मॉडल प्लास्टिक स्पेक्टेकल प्रोडक्ट की, कि जिसमें वर्ल्ड में सबसे बड़ा हमारा काम है। ये मैं पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेम्स के बारे में, लेस के बारे में और स्पीकर्स है, उन्होंने बहुत कुछ बताया भी और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। लेकिन मैं पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करूँ तो जो हम ऑप्टिकल कवर के बारे में चाइना से कम लागत में, यानी कॉस्ट में तैयार कर सकते हैं, बेच सकते हैं, बना सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में भेज सकते के बाद भी जो अगर हम माल यहाँ पे उससे सस्ता नहीं बेच सकते हैं, तो और कोई चीजें भी तो हमें देखनी चाहिए। और दूसरा, सब अपने अपने सबने अब बात तो बताया कि आत्मनिर्भर करने के लिए क्या क्या है, क्या नहीं करना है, लेकिन सबसे पहले तो हम, मैं चाइना की एक अच्छी बात बताऊँ तो वो अपनी भाषाओं पे चलता है, वो किसी की भाषा यूज नहीं करता है और किसी को एंट्री भी बहुत कम देता है। तो हमें ये भी करना चाहिए और हमारे उत्पादकों और सेवाओं को हमें प्राथमिकता देना चाहिए कि हम अपने उत्पादक यूज करेंगे और उसको करेंगे। और इसके सिवा स्पर्धात्मक सेवाएं और प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम थोड़ा कम करें और क्लस्टर जैसा काम करें, क्लस्टर और एक दूसरे के सहकार से काम करें, तो मैं जानता हूँ कि हम बहुत आराम से सबका कॉम्पीट कर सकते हैं जो हमने किया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।